दिल से सब लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। कई जो खड़े हैं लोग उनको जयकारा लगाने में शर्म आ रही है, शर्माना नहीं है। हमारी प्यारी भारत माता है, सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की जय। आज हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। मैं देख रहा हूं इतने सारे लोग बाहर खड़े हैं, पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं, बसों पे इतने सारे लोग खड़े हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सलाम, सबको मेरी राम राम। दोस्तों आज हिसार में आके बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। शिवानी में पैदा हुआ था, इसार में मेरा बचपन गुजरा, इसार में पढ़ाई लिखाई करी, जिंदल कॉलोनी में रहा करते थे, पिताजी जिंदल में काम किया करते थे, पहले कैंपस स्कूल में पढ़ा, फिर डीएन कॉलेज में गया। डीएन कॉलेज वाले हैं यहाँ पे? दोस्तों एक छोटा सा बच्चा था जब मैं यहाँ पे था इस साल में, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि भगवान इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देगा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि जनता का इतना प्यार मिलेगा, जनता का इतना भरोसा इतना विश्वास मिलेगा। मेरे को याद है उन दिनों में गा करते थे देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना कहते थे कि नहीं कहते थे? देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 3 साल पहले आपने भाजपा को वोट देके जिताया था, आज यहां इतने हजारों हजार लोग खड़े हैं। जो जो लोग खट्टर सरकार से दुखी है हाथ खड़े कर दो जरा से, ये कैमरे वाले जरा कैमरे दिखा दो जी, ये कैमरे वाले दिखा दो जरा से। जनता कह रही है खट्टर
सब दिल्ली में करके दिखा दिया दोस्तों। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं, ऑडिटोरियम बन रहे हैं, म्यूजिक की क्लासें लग रही हैं। सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर लंदन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूल इतने अच्छे होते हैं? आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते, मिडिल क्लास के अच्छे घरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं दोस्तों। पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आए थे दिल्ली के अंदर। परिवर्तन हुए पूरे दुनिया के अंदर, भारत भारत नहीं पूरे दुनिया के अंदर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम हो रहा है। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारे ऑपरेशन मुफ्त कर दिए, सब मुफ्त कर दिया दिल्ली के अस्पतालों के दोस्तों। आज सवेरे जब मैं हिसार पहुंचा, मेरे पास एक आदमी आया, बोला अरविंद जी हुडा की सरकार के टाइम में बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत भ्रष्टाचार था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हुडा के टाइम में भ्रष्टाचार था? कितना चीज का रेट 5,000 रुपए हो गया उसी भ्रष्टाचार का। गलत तो नहीं कह रहा हूं सर, जो रेट रिश्वत खोरी का उड़ा के टाइम में 1,000 रुपए था, आज 5,000 रुपए हो गया। मैं आपको दिल्ली आमंत्रित करता हूं, दिल्ली देश का पहला राज्य, मैं नहीं कह रहा, केंद्रीय सतर्कता आयोग मोदी जी की संस्था, बीजेपी की संस्था, प्रधानमंत्री की संस्था सीडीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने संसद में रिपोर्ट पेश की है कि पिछले 3 साल में दिल्ली में 81% भ्रष्टाचार कम हो गया 3 साल के अंदर। क्यों हुआ? क्योंकि अब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, अब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है दोस्तों। पिछले 3 साल में भाजपा सरकार ने हरियाणा में बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, युवा दुखी है, स्टूडेंट दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, सारे दुखी हैं। यहाँ पे यहाँ बहुत सारे किसान भाई आए होंगे, मेरे को किसान बता रहे थे, बोले जी सरसों की फसल पड़ी है अभी, सरसों का सरकारी रेट क्या चल रहा है जी आजकल? सरकार ने 4,000 रुपए, 4,000 रुपए सरकारी रेट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मार्केट रेट 3,200 रुपए है, गलत तो नहीं कह रहा? मार्केट रेट 3,200
किसने बेची सरकार को सरसों? अगर एक दाना सरसों नहीं खरीदी किसानों से तो सरकार बेवकूफ बना रही है वाला। फिर क्यों सरकारी रेट तय किया था? क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया था? हमें बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए? अरहर की दाल का सरकारी रेट 54 रुपए है और मार्केट में 34 रुपए में बिक रही है। कोई किसान बता दे अगर सरकार ने अरहर दाल में खरीदी हो किसानों से, अगर सरकार को दाल खरीदनी नहीं थी तो सरकारी रेट क्यों तय किया था? सरकार किसानों से नहीं खरीदती, अफ्रीका से 80 रुपए में दाल खरीदी, 80 रुपए में अफ्रीका के किसानों से 80 रुपए में खरीदती है, मेरे किसानों से 54 रुपए में नहीं खरीदती। हमारे किसान 34 रुपए में अपनी दाल बेच रहे हैं दोस्तों। हमारे देश का किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारे किसान पे लोन नहीं चढ़ेगा, कर्ज नहीं चढ़ेगा तो कैसे होगा दोस्तों? अगर किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम मिल जाए, इस देश में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अगर अपने किसानों को फसल के पूरे दाम मिल जाए, किसानों पे कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। आज जो किसान है उसको अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा, जितना वो पैसा लगाता है उतना भी नहीं मिलता। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव में, जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे पूरे देश में, उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। उन्होंने कहा था किसानों को 50% मुनाफा दिया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? मोदी जी ने कहा था किसानों को 50% लागत का प्रॉफिट दिया जाएगा। अब ये मोदी जी ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की सरकार ने कहा है हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, हम किसानों को पूरा पैसा नहीं देंगे। ये तो धोखा कर दिया मोदी जी ने किसानों के साथ, बहुत बड़ा धोखा किया किसानों के साथ। लेकिन आज मैं अपनी जन्मभूमि के ऊपर आप लोगों से कसम खा के चाहता हूं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो काम मोदी जी नहीं कर पाए वो काम केजरीवाल करके दिखाएगा स्वामीनाथन रिपोर्ट। हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम दिलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी किसानों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मजदूरों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है दोस्तों। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने मजदूरों के वेतन बढ़ाया, न्यूनतम मजदूरी जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 9,000 रुपए होती थी, हमने बढ़ा के 13,500 रुपए कर दी, 13,500। हरियाणा में आज न्यूनतम मजदूरी 8,500 है, हरियाणा में 13,500 है न्यूनतम मजदूरी दोस्तों। हम गरीबों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं, किसान की जेब में पैसा जाएगा, मजदूरों की जेब में पैसा जाएगा तभी देश का विकास होगा। अंबानी और अडानी की जेब में पैसा डालने से देश का विकास नहीं होगा। भाजपा केवल धन्ना सेठों की पार्टी है। विजय माल्या का नाम किस किस ने सुना? हाथ खड़े करो जरा, सारा को बता। 9,000
केजरीवाल एक दिन नई बुशर्ट खरीद ले उसके ऊपर केस कर देते हैं। विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए लेके भाग्या, पता नहीं चला मोदी सरकार। नीरव मोदी 11000 करोड़ रुपए लेके भाग्या। आजकल ये 100-200 करोड़ की तो बात ही नहीं करते। 11000 करोड़ रुपए लेके भाग्या नीरव मोदी, पता ही नहीं चला। हम बेवकूफ है जी, जनता बेवकूफ है, जानने के लिए पता नहीं चला। अरे तुमने भगाया उनको, तुम्हारे चाचे दारू रखते हैं वो, तुमने भगाया उनको। आज रोज सवेरे अखबार पढ़ो, रोज एक नया नाम आता है। ये आदमी फलाना 800 करोड़ रुपए लेके भाग गया, फलाना आदमी 1500 करोड़ रुपए लेके भाग गया। जितने घोटाले बैंकों के मोदी सरकार के टाइम में हुए हैं, आजादी के बाद किसी सरकार के टाइम में इतने घोटाले नहीं हुए जितने मोदी जी के टाइम में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड आदमी आया मेरे पास, कहते अरविंद जी आपको तो बड़ी जानकारी है, मेरी मदद करो। मैंने कहा पूछो। बोला जी मैंने रिटायर होने के बाद जितनी मेरी जमा पूंजी थी सारा पैसा मैंने पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक में डाल दिया। अब मैंने अखबार में पढ़ा नीरव मोदी 11000 करोड़ लेके भाग गया पीएनबी के। बोला जी अब आप बताओ मैं पैसे निकलवा दूं कि वहीं रखूं, और निकलवा लूं तो किस बैंक में लगवाऊं। बोला हर बैंक में कभी सुनते हैं वो उसके 800 करोड़ लेके भाग गया उस बैंक के, फलाने बैंक के 1500। रोटी चल रहा है आजकल, ये पढ़ते हो आप लोग अखबारों में। आज पूरे देश की जनता के सामने एक ही प्रश्न है, अपने पैसे जमा कराएं तो किस बैंक में जमा कराएं, कहीं ऐसा ना हो बैंक की भी वाला हो जाए। आज मैं हाथ जोड़ के इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ, इस देश की जनता को एक ही बात बता दो कि अगर वो अपने पैसे जमा कराना चाहे तो किस बैंक में उनके पैसे सुरक्षित हैं, किस बैंक में हम अपने पैसे जमा कराए। कल ऐसा ना हो बैंक दिवाला हो जाए, हमारे सारे पैसे डूब जाए दोस्तों। और दूसरा प्रश्न मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये बता दो विजय माल्या को और नीरव मोदी को कितने दिनों में पकड़ के वापस लाओगे, हमारा पैसा कब वापस दिलाओगे। दोस्तों 3 साल पहले इस देश की जनता ने केंद्र में भी और हरियाणा में भी भाजपा को जम के वोट दिया था, खूब वोट दिया था। आज इन्होंने व्यापारियों को नहीं बख्शा, किसानों को नहीं बख्शा। यहां बहुत सारे व्यापारी भी बैठे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, व्यापारियों को पहले नोटबंदी करके बर्बाद कर दिया, फिर जीएसटी करके बर्बाद कर दिया। यहां जितने व्यापारी बैठे हैं ये बताओ जी, पिछले 3 साल में किसी का व्यापार बढ़ाओ बरकत हुई हो तो हाथ खड़ा कर दो जरा सा, किसी की बरकत नहीं हुई भाई साहब, ये कैमरे वाले दिखा देना जरा सा, मोदी जी भी देख लेंगे। इतने 1000 आदमी बैठे हैं, किसी एक आदमी की 3 साल में बरकत हुई हो। मैंने सुना अडानी अंबानी की बहुत बरकत हुई है, आम आदमी की आम व्यापारी की बरकत नहीं हुई दोस्त। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी दुकान पे अगर आपने पहले 4 नौकर रख रखे थे, 3 साल में 5वां नहीं रखा होगा, 4 के 2 रह गए होंगे, गलत तो नहीं कर रहा साहब। चारों तरफ नौकरियां जा रही हैं, हमारे युवा परेशान हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, कहां जाए हमारे युवा बेचारे, कहां जाए। एक चीज है, भाजपा ने 3 साल में कुछ नहीं किया,
एक ही काम कर सकती है भाजपा, दंगे कराने में एक नंबर पार्टी है भाजपा। दंगे कराने वाली पार्टी है भाजपा। हिंदू मुसलमान के दंगे कराने हो, ठेका दे दो इनको, ये बड़े माहिर है, दो मिनट में दंगे करा देंगे। महाराष्ट्र के अंदर मराठा मान मराठा के दंगे कराने हो, दो मिनट में करा देंगे। हरियाणा के अंदर जाट मान जाट के लोगों ने दंगे कराए, सारे हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। जाट और नॉन जाट के बीच में जो दुर्भाव फैला, जो दंगे हुए, वो कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर कराए थे, कराए थे कि नहीं कराए थे, या हुडा ने और खट्टा साहब ने मिलकर कराए थे कि नहीं कराए थे। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कराए थे। उन्होंने कहा ये तुम्हारा वोट बैंक, ये हमारा वोट बैंक। मैं पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा चल रहा था खट्टर साहब कहां थे? जब आपकी दुकानों में आग लगाई गई खट्टर साहब कहां थे? जब आपके घरों में आग लगाई गई खट्टर साहब कहां थे? दोस्तों, आज हम सब लोगों को मिलके एक नया हरियाणा बनाना है। ये नया हरियाणा पुरानी पार्टियों से नहीं बनने वाला, ये नया हरियाणा पुराने नेताओं से नहीं बनने वाला, ये नया हरियाणा केवल आप लोग बना सकते हो, हरियाणा की जनता बना सकती है। हम सब लोगों को मिलकर एक नया हरियाणा बनाना है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जरा से, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अगला चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये चुनाव केजरीवाल नहीं लड़ सकता। केजरीवाल बहुत छोटा सा आदमी है, केजरीवाल की कोई औकात नहीं है। ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। हरियाणा को बदलना है तो आप लोगों को बदलना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने 3 साल पहले चमत्कार करके दिखाया था। दिल्ली में 2 पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस। दिल्ली के लोग बीजेपी और कांग्रेस से तंग आ चुके थे। लोगों ने दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दिया। कांग्रेस को 0 सीट, बीजेपी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 67 सीट दी थी। अब हरियाणा की जनता चमत्कार करके दिखाएगी। आप लोगों को चुनाव लड़ना, ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता ने जो रिकॉर्ड बनाया था 67 सीट का, आपको रिकॉर्ड तोड़ना है। दिल्ली की जनता को, हरियाणा की जनता को रिकॉर्ड तोड़ना है। मेरे को कभी आदमी कह रहा था, कहता है जी ये जितने हमारे पोल के ऊपर पोस्टर लगा रहे थे, बोला जी आपके आदमी पोस्टर लगाते जा रहे थे और पीछे पीछे कमिटी गाड़ी उन पोस्टरों को उतारती जा रही थी। बीजेपी के भी पोस्टर लगे थे, कांग्रेस के भी पोस्टर लगे हैं, बोले जी बीजेपी के पोस्टर नहीं उतार रही थी, कांग्रेस के पोस्टर नहीं उतार रही थी, केवल आम आदमी पार्टी के पोस्टर उतार रही थी। बोले मैंने उनसे पूछा कमिटी वाले से, भाई तुम केवल आम आदमी पार्टी के क्यों उतार रहे हो? कहते जी ऊपर से ऑर्डर है, केवल आम आदमी पार्टी के उतारने हैं, बीजेपी कांग्रेस के नहीं उतारने। मैं आज कहना चाहता हूं इन लोगों को, तुम पोस्टर तो उतार दोगे, आम आदमी पार्टी हरियाणा के एक एक आदमी के दिल में बसती है, उनके दिल में से कैसे निकालोगे? दोस्तों, 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ में हुई थी और उसके बाद हिसार के अंदर हुई थी। इसी तरह से नई राजनीति की क्रांति पहले दिल्ली में शुरू हुई थी, अब यह हरियाणा के अंदर होगी। अगला चुनाव हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ेगी और दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अपने को हरियाणा
के एक एक बच्चे के लिए, हरियाणा के एक एक युवा के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए एक नया हरियाणा का सृजन करना है, जिनमें से जिसमें सबको सुख शांति मिले। अगर आपको दंगे करवाने हैं तो बीजेपी कांग्रेस को वोट दे देना। अगर आपको सुख शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, तो सारे जने में आम आदमी पार्टी को वोट दे देना दोस्तों।